केंद्र सरकार बाजरा और अन्य पोषक अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, साथ ही इसका उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया। इस सिलसिले में अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय मोटे अनाजों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में जुट गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर कृषि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साल 2023 में मोटे अनाजों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं मोटे यानी पोषक अनाजों के उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। वहीं तोमर ने बताया कि पोषक अनाजों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है। सरकार ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के 7 सूत्र विकसित किए हैं, जिन्हें संबंधित मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर कृषि मंत्रालय काम करेगा। मोटे अनाजों से पोषण और स्वास्थ्य लाभ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा। मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और पकाने की विधि के विकास पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काम करेगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के लिए वाणिज्य और विदेश मंत्रालय काम करेगा। इसे मुख्य धारा में लाने के बारे में नीतिगत कदम उठाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग काम करेगा, जबकि ब्रांडिंग, लेबलिंग और प्रचार सभी मंत्रालय मिलकर करेंगे। सरकार मोटे अनाजों, खासतौर पर बाजरा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जो एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। भारत में बाजरे की औसत उपज 1239 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1229 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख बाजरा फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत की बात करें तो बता दें कि पल मिलेट 61% है, ज्वार 27% और फिंगर मिलेट 10% है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। बाजरे के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरे को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया। बाजरे को पोषक मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। वहीं मंत्रालय के मुताबिक 500 से अधिक स्टार्टअप बाजरा मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने RKVY रफ्तार के तहत 250 स्टार्टअप को साथ मिला लिया। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।